वेस्ट वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। कहानी की शुरुआत होती है बर्नार्ड से, जो अभी अभी सपने से जगा है। उसके हाथ में उसके बेटे चार्ली की तस्वीर है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो साथ ही साथ पुराने फ्लैशबैक्स भी आते हैं, जब चार्ली जिंदा था। तभी एशली बर्नार्ड के पास आता है और उससे बातचीत करता है। कहता है उसे लग रहा है कि कार्ल स्ट्रैंड और उसकी टीम यहाँ पर सिर्फ अपने डेटा को सिक्योर करने आए हैं, उन्हें लोगों की जान से मतलब नहीं है। उसे बर्नार्ड और अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। बर्नार्ड और एशली कहीं जा रहे होते हैं, मगर स्ट्रैंड उन्हें रोकता है। वो बंदूक की नोक पर उनसे पूछता है कि टेरेसा को किसने मारा था। आपको याद होगा कि सीजन 1 में हमें टेरेसा को दिखाया गया था, वो वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में क्वालिटी एश्योरेंस यानी QA की हेड थी। कार्ल स्ट्रैंड इन्हें रिमोट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड के कहने पर बर्नार्ड ने टेरेसा को मार डाला था। कार्ल स्ट्रैंड को बर्नार्ड पर तो भरोसा है, मगर स्टब्स पर ज्यादा शक है। वो कहता है टेरेसा को मारने का काम तुमने ही किया होगा। आपको बता देती हूँ कि ये सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा है। बर्नार्ड को बीती बातें ज्यादा अच्छे से याद नहीं है। रोबोट्स यानी होस्ट्स का बैकअप रखने वाली क्रेडल तबाह हो चुकी है। वेस्टवर्ल्ड की दुनिया में करीब 11-12 दिनों से तबाही मची हुई है। यहाँ शार्लेट हेल भी मौजूद है। तभी टीम को इस जगह पर एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। ये लोग जब दरवाजे से अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे होस्ट मौजूद हैं, जो सारे के सारे बर्नार्ड की कॉपी हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बर्नार्ड के पुराने वर्जन्स हैं। यहाँ मौजूद लोगों को एहसास होता है कि बर्नार्ड इंसान नहीं है, रोबोट है। अब कमान शार्लेट हेल के हाथ में आ जाती है। वो बर्नार्ड को एनालिसिस मोड में डालती है और फिर सवाल करती है। वो पूछती है क्या तुम मुझसे कभी झूठ बोलोगे? वो कहता है नहीं। वो पूछती है क्या मैसा पर डोलोरस ने अटैक किया था? वो कहता है उसे याद नहीं। शार्लेट कहती है कि सारी यादें तुम्हारे दिमाग के अंदर ही हैं, मगर तुम जानबूझकर कुछ भी याद नहीं करना चाहते। वो उससे कई सवाल करती है ताकि पीटर एबरनाथी की कंट्रोल यूनिट तक पहुंच सके। पीटर एबरनाथी की कंट्रोल यूनिट में शायद वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया का सारा डेटा है। डेलॉस कॉरपोरेशन की तरफ से शार्लेट की जिम्मेदारी है कि पीटर एबरनाथी की इस कंट्रोल यूनिट को यानी वेस्ट वर्ल्ड के सारे डेटा को सिक्योर जगह पर पहुंचा दे। शायद बर्नार्ड को पास्ट याद आ रहा है, या फिर ये पास्ट सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है। बिहेवियर लैब और डायग्नोस्टिक्स एरिया में शार्लेट हेल और एशली स्टब्स मौजूद हैं। पीटर एबरनाथी इनके कब्जे में है। एशली कहता है कि ट्रेन को जानबूझकर क्रैश किया गया है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में डोलोरस, टेडी और एंजेला ने मैसा की तरफ जाने वाली ट्रेन में एक्सप्लोड कर दिया था, तो डोलोरस अपने पिता को लेने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। हर तरफ लड़ाई का माहौल है। कफलिन अपने लोगों के साथ कंट्रोल रूम में जाता है। यहाँ कई होस्ट्स को मारा जाता है और ये लोग अपनी रिस्पांस टीम की तरफ बढ़ते हैं, मगर इन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज का ढेर नजर आता है। इन्हें पता चलता है कि इनकी रिस्पांस टीम मारी जा चुकी है। इन्हें चारों तरफ से वायट का गैंग घेर लेता है। डेलॉस की इस प्राइवेट मिलिट्री के लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं शार्लेट और एशली को लड़ाई की आवाज़ें आ रही हैं। शार्लेट अपने टेक्नीशियन को कहती है कि जल्दी करे और पीटर एबरनाथी के दिमाग से उसकी कंट्रोल यूनिट निकाल कर उसे कॉपी कर ले। एशली लगातार शार्लेट से पूछता है कि इस कंट्रोल यूनिट में क्या है, मगर वो नहीं बताती। कंट्रोल रूम में रोबोट्स यानी होस्ट को ट्रैक करते हुए पता चलता है कि सारे के सारे रोबोट्स क्रेडल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि इस टाइमलाइन में एलसी और बर्नार्ड अभी क्रेडल में थे, बल्कि बर्नार्ड तो क्रेडल में खुद गया था। उसने वहां डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को देखा था। हमें फिर से बर्नार्ड को दिखाया जाता है, जो अपनी कंट्रोल यूनिट के थ्रू क्रेडल के वर्चुअल वर्जन में है। वो यहां डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड से बातचीत कर रहा है। वो हैरान है कि फोर्ड जिंदा कैसे है। फोर्ड कहता है वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया का यही तो मकसद था, इंसान को अमर करना। डॉक्टर फोर्ड बर्नार्ड को बताते हैं कि क्रेडल एक बड़े स्केल का फिडेलिटी टेस्ट है। इसमें होस्ट्स का बैकअप तो मौजूद है ही, गेस्ट्स के बिहेवियर पर नज़र रखी जाती थी। डेलॉस कॉरपोरेशन इंसानों से जुड़े डेटा में इंटरेस्टेड थी। वो इंसानों का डिजिटल वर्जन बनाना चाहती थी। वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया में इंसान आज़ाद होता है, वो जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकता है। विलियम ने इस बात को समझा और इस प्रोजेक्ट पर काम किया।
बर्नार्ड को एहसास होता है कि जिस कंट्रोल यूनिट को उसने चुराया था वो फोर्ड की थी, यानी डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड का डिजिटल वर्जन। फोर्ड उसे बताता है कि उसी के कहने पर बर्नार्ड ने फोर्ड के डिजिटल वर्जन को क्रेडल में डाल दिया था। उसके बाद ही डोलोरस ने डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड को मार डाला। यानी डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड का फिजिकल वर्जन तो मर चुका है मगर डिजिटल कॉपी क्रेडल में मौजूद है। फोर्ड बताता है कि डेलॉस कॉरपोरेशन इंसान को अमर करना चाहती थी मगर ये काम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंसान की डिजिटल कॉपीज तो बन गई मगर जब इन कॉपीज को होस्ट्स में डालकर असली दुनिया के लिए तैयार किया जाएगा तो ये डिग्रेड हो जाएंगे, जैसा जेम्स डेलॉस के साथ हुआ। बर्नार्ड फोर्ड से पूछता है कि सारे रोबोट्स वैली बियॉन्ड की तरफ जाना चाहते हैं, वहां पर क्या है? मगर फोर्ड इस बात का जवाब नहीं देता। वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया में ही कहीं दूर मैन इन ब्लैक, लॉरेंस और उसके साथ ही अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। उनके पीछे गोस्ट नेशन के लोग हैं। वहीं मेव अपनी बेटी के साथ एक घर में छुपी हुई है। उसकी बेटी डरी हुई है। मेव उससे वादा करती है कि वो उसकी जान बचाएगी, वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। तभी दरवाज़ा खुलता है और घर के अंदर एंट्री होती है मैन इन ब्लैक की। सीजन 1 में मैन इन ब्लैक ने मेव की बेटी को मार डाला था। वो मेव को वहां देखकर चिढ़ जाता है, कहता है ये किस तरह की बेकार स्टोरी लाइन है, वही पुराना लूप। मेव को वेस्ट वर्ल्ड की दुनिया की हकीकत पता है और वो इंसानों को मारने की पावर रखती है। वो मैन इन ब्लैक पर बंदूक चलाती है और आसपास मौजूद होस्ट्स को अपने माइंड से कंट्रोल कर लेती है। अब मैन इन ब्लैक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है मगर उस पर अटैक हो रहा है जो मेव करवा रही है। मैन इन ब्लैक की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उसे गोलियां लगी हुई हैं। अब इस सिचुएशन में ना मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैन इन ब्लैक को इतनी गोलियां लग चुकी हैं मगर वो मर नहीं रहा, क्यों? तभी वहां पर लॉरेंस पहुंचता है और मेव लॉरेंस को परस्यू करती है कि अपनी यादों में जाए और याद करे मैन इन ब्लैक ने उसके साथ क्या कुछ किया है। लॉरेंस को याद आता है कि मैन इन ब्लैक ने उसकी बीवी को मार डाला था। वहीं मैन इन ब्लैक उसे कन्विंस कर रहा है, हाँ मैंने वो किया था मगर अब मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हारी बीवी की जान बचाई है। मगर लॉरेंस कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं है, वो मैन इन ब्लैक को गोली मारता है। तभी वहाँ QA टीम पहुँचती है और लॉरेंस को ख़त्म कर देती है। मेव जो वहीं छुपी हुई है उसे दिखता है कि उसकी बेटी को गोस्ट नेशन के लोग लेकर जा रहे हैं। वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि खुद उस पर गोलियां चल रही हैं। वहाँ ली साइज़मोर पहुँचता है QA टीम के साथ, वो खुद यहाँ आया है। वो कहता है मेव को मत मारो, ये हमारे काम आएगी, ये स्पेशल है। यहाँ से सब लोग जा चुके हैं मगर मैन इन ब्लैक यानी विलियम अभी भी छुपा हुआ है। उसकी हालत बहुत ख़राब है मगर वो सांसें ले रहा है। क्रेडल के अंदर डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड बर्नार्ड को आर्नल्ड के पुराने घर में लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि तुम पर डोलोरस टेस्टिंग करती थी। वो कहते हैं जब मैंने आर्नल्ड की कॉपी बनानी चाही तब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। इंसान के दिमाग की डिजिटल कॉपी बनाना तब पॉसिबल नहीं था। तो डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड ने अपनी यादों से और डोलोरस की यादों से आर्नल्ड को रिक्रिएट किया। उन्हें पता था कि डोलोरस एक रोबोट है तो उसका दिमाग ज़्यादा शार्प है, उसे हर बीती बात पूरी तरह से याद रहती है, उसे आर्नल्ड की हर आदत के बारे में पता था। तो इन लोगों ने मिलकर आर्नल्ड को बनाने की शुरुआत की, कई सारे टेस्ट किए और आखिरकार बर्नार्ड तैयार हुआ। जेम्स डेलॉस चाहते थे कि इंसान की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जा सके मगर बर्नार्ड आर्नल्ड की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। फिर डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड कहते हैं कि इंसान होस्ट्स को बर्बाद कर देंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे। होस्ट्स को डोर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाना होगा। अब ये डोर क्या है? आपको याद होगा कि मैन इन ब्लैक भी डोर की ही तलाश में है। फिर फोर्ड धीरे धीरे चलते हुए बर्नार्ड के बिल्कुल पास आ जाता है और कहता है मुझे होस्ट्स को बचाना होगा। फोर्ड अपना हाथ बढ़ाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। बर्नार्ड की आंखें खुलती हैं, उसके स्कल के अंदर उसका कंट्रोल यूनिट वापस आ चुका है। एलसी बर्नार्ड को संभालती है और तभी इन्हें रेडियो पर सुनाई देता है कि मेसा पर अटैक हो चुका है। कंट्रोल रूम में नोटिस किया जाता है कि सिस्टम बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसके अंदर जो भी बग था अब गायब है। थोड़ी ही देर में डोलोरस अपने गैंग के साथ शार्लेट हेल के सामने होती है।
वो अपने पिता पर की गई ज्यादतियाँ देख रही है। वो बेहद गुस्से में है मगर उदास भी। शार्लट उसे बहलाने की कोशिश करती है मगर डोलोरस जानती है कि शार्लट को बस अपने काम से मतलब है। डोलोरस हेल को बताती है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम लोग अमर होना चाहते हो। शार्लट डोलोरस को धमकाती है कि अगर तुम्हारे बैकअप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो तुम भी नहीं बचोगे। मगर इस पर डोलोरस कहती है, बैकअप सिर्फ हमारे पैरों की बेड़ियां हैं, अगर हमारे बैकअप्स नहीं रहेंगे तो हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। बर्नार्ड और एलसी क्रेडल से बाहर आ चुके हैं। यहाँ बर्नार्ड को बाहर फोर्ड नज़र आ रहा है। बेसिकली डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड की डिजिटल कॉपी ने खुद को बर्नार्ड की कंट्रोल यूनिट पर इम्प्रिंट कर दिया है। बर्नार्ड एलसी को वैली बियॉन्ड के बारे में बताता है और वो अपने लिए कुछ बेहतर हथियार ढूंढने के लिए निकल जाती है। फोर्ड बर्नार्ड को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और बर्नार्ड उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। मैसा में हर तरफ गन फायर हो रहा है। क्लेवेंटाइन बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। वहीं एंजेला क्रेडल में मौजूद है। उसका हुलिया बदला हुआ है। वो यहाँ पर मौजूद सिपाही से फ्लर्ट करती है और बातें करते करते उसकी बेल्ट में लगी ग्रेनेड से पिन निकाल देती है। एक बहुत बड़े धमाके के साथ क्रेडल ख़त्म हो जाती है। तो अब हमें पता चल गया कि पिछले एपिसोड्स में जब हमें क्रेडल को तबाह हालत में दिखाया था तो वो कैसे हुआ था। क्रेडल के धमाके की आवाज़ होती है और डोलोरस कहती है, अब हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। वो एक आरी लेकर शार्लट की तरफ बढ़ती है। शार्लट बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो मरना नहीं चाहती ऑब्वियसली। तभी पीटर एबरनाथी डोलोरस को पहचान लेते हैं। वो अपने लूप के डायलॉग्स दोहरा रहे हैं। डोलोरस उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। उसका ध्यान शार्लट से हट जाता है। बाहर गनफायर हो रही है जिस वजह से टेडी भी बिजी हो जाता है। मौका देखकर एशली और शार्लट यहाँ से भाग जाते हैं। बाहर टेडी और कफलिन आमने सामने हैं। टेडी कफलिन को बहुत बुरी तरह से पीटता है, इनफैक्ट पीटते पीटते जान से मार डालता है। वहीं अंदर पीटर अपनी बेटी डोलोरस से माफ़ी मांग रहा है, कहता है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। डोलोरस रो रही है। ये एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और टेडी अंदर आता है। हमें कुछ मशीन की आवाज़ सुनाई देती है जिससे पता चलता है कि डोलोरस ने अपने पिता की कंट्रोल यूनिट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यानी डेलॉस कंपनी का सारा डेटा अब डोलोरस के कब्जे में है। कंट्रोल रूम में गोल्डबर्ग अपनी टीम से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसे पता नहीं कि सारे लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ली क्यूए टीम के साथ मैसा में वापस आ चुका है। इन्हें पता चलता है कि कंट्रोल रूम पर होस्ट्स ने हमला कर दिया है। क्यूए टीम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है। मेव को यहीं पर छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड बर्नार्ड को अपने साथ कंट्रोल रूम में ले आए हैं। यहाँ पर हर तरफ खून खराबा मचा हुआ है। गोल्डबर्ग भी मारी जा चुकी है। फोर्ड का दावा है कि इंसान हर अच्छी से अच्छी चीज़ को बर्बाद कर देता है। उन्हें इंसानियत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बर्नार्ड फोर्ड से कहता है, आप भी तो सब कुछ तबाह ही कर रहे हैं। फोर्ड के हिसाब से रोबोट्स को अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। बर्नार्ड फोर्ड का ऑर्डर मानते हुए पूरे सिस्टम को शटडाउन कर देता है, जिससे डोलोरस हर तरह की पाबंदी से आज़ाद हो चुकी है। इसके बाद बर्नार्ड कंट्रोलिंग इक्विपमेंट को भी तोड़ देता है ताकि कोई और इसमें चेंज ना कर सके। कंपाउंड में डोलोरस और उसका गैंग पहुंचता है जहां पर मेव जख्मी हालत में है। यहां ली साइजमोर भी एक जगह पर छुपा हुआ है। डोलोरस मेव को देखती है और उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है। पूछती है, तुम तो सर्वाइव करने वाले लोगों में से थी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेव उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है और उस वादे के बारे में जो उसने अपनी बेटी से किया था। डोलोरस मेव को कहती है कि जो रिश्ते हमें इस दुनिया ने दिए हैं वो नकली हैं, वो हमारे पैरों की बेड़ियां हैं। इस पर मेव टेडी की तरफ देखकर इशारा करती है, क्या यही कहकर तुम अपनी हरकतों को जस्टिफाई करती हो? मेव समझ गई है कि डोलोरस ने टेडी में कुछ चेंज किया है। डोलोरस मेव की बातों का बुरा नहीं मानती। उसे ऑफर करती है कि मैं तुम्हारा काम आसानी से ख़त्म कर सकती हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मेव इस ऑफर को ठुकरा देती है और दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। ली साइजमोर कोने में छुपा हुआ है और डोलोरस अपने गैंग के साथ वैली बियॉन्ड की तरफ बढ़ चुकी है।
फोर्ड अब बर्नार्ड को मैसा से बाहर निकाल रहा है। यहाँ आसपास डेलॉस की प्राइवेट मिलिट्री के अभी भी कुछ गार्ड्स मौजूद हैं। फोर्ड बर्नार्ड को उन्हें मारने के लिए कहता है। बर्नार्ड फोर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ऐसा करने के लिए ना कहे। फोर्ड बर्नार्ड को समझाता है, तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कमरा अंधेरे से भर जाता है और हमें लाइट के सिर्फ कुछ फ्लैशेस दिखते हैं। फोर्ड ने बर्नार्ड के जरिए मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए आसपास के गार्ड्स को मार डाला है। बर्नार्ड को कई सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। वो डोलोरस से पहली बार कब मिला, आर्नल्ड के बेटे चार्ली के विजन्स, डोलोरस से रियलिटी से जुड़े सवाल, फोर्ड का कहना कि एक दिन हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर देंगे, साथ ही वैली बियॉन्ड जिसमें रोबोट्स की लाशें हैं। उसकी आंखें खुलती हैं और सामने शार्लेट मौजूद है। हम दोबारा से प्रेजेंट में पहुंच चुके हैं। वो कहती है, तुम्हारी असली और नकली मेमोरीज में फर्क करना थोड़ा मुश्किल है। इन रोबोट्स के दिमाग में कुछ मेमोरीज तो प्रोग्राम की जाती हैं, मगर कुछ मेमोरीज तो इनकी खुद की होती हैं जो इन्होंने जी हैं, मगर ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी याद सच है। वो उसे पीटर एबरनाथी की कंट्रोल यूनिट की लोकेशन पूछ रही है। बाहर स्ट्रैंड, एशली और कॉस्टा मौजूद हैं। कॉस्टा, जो बर्नार्ड की टैबलेट को मॉनिटर कर रहा है, कहता है उसके सिस्टम पर अटैक किया गया है। फिर वो ये भी कहता है कि शायद बर्नार्ड खुद को डीबग कर रहा है। शार्लेट बर्नार्ड को एनालिसिस मोड में डालती है और बर्नार्ड को एक फ्लैशबैक दिखता है। वो एक होस्ट की कंट्रोल यूनिट को अपने हाथ में उठा रहा है। वो शार्लेट को कुछ कहता है जो हमें सुनाई नहीं देता, मगर शार्लेट मुस्कुराती है। कमरे में बाकी लोग आ चुके हैं और शार्लेट बर्नार्ड को फिर से एनालिसिस मोड में डालती है। उससे पूछती है, पीटर एबरनाथी की कंट्रोल यूनिट कहाँ है? बर्नार्ड कहता है, सेक्टर 16, जोन 4। ये वही जगह है जिसे वैली बियॉन्ड कहा जाता है। अब इनकी पूरी टीम वैली बियॉन्ड जाएगी और वहाँ पर पीटर एबरनाथी की कंट्रोल यूनिट हासिल करने की कोशिश करेगी। उसके बाद वो डेलॉस कॉरपोरेशन के कीमती डेटा को किसी सैटेलाइट पर ट्रांसमिट कर देंगे। ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आई नो इसमें बहुत सारी बातें थीं, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से चलाकर देख सकते हैं उस पर्टिकुलर सीन को, और कोई डाउट है तो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए। बाय।